सावल सावल यार वे। दो बेटे एक बेटी है, वो लोग गांव में रहते हैं। मैडम कहाँ? सर अंदर है। आप ठीक है मैडम? ये कौन है? मूसा है ये, लैला का नया बॉडीगार्ड। कब से रखा है इसे नौकरी पर? अभी कुछ ही दिन हुआ इसको रखा है। जब तुम्हारी मैडम पर कातिलाना हमला हुआ तुम उस वक्त कहाँ थे? तुम्हें तो इनके साथ होना चाहिए था। कातिलाना हमला? नहीं, मूसा मुझे ड्रॉप करके ऑफ करके आया था, ये यहाँ स्टे नहीं करता। लगता है मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। कहाँ रहते हो तुम? सादिकाबाद, मकान नंबर 31। ठीक है, तुम बाहर बैठो, अभी तुम्हारा बयान रिकॉर्ड करना है और कहीं जाना नहीं, समझे? समझ गया। अनजान लोगों को घर का रास्ता दिखाएंगे तो ये सब कुछ तो होगा ना। मैंने तो पहले भी कहा था कि हर आने जाने वाले पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या हुआ था? अरे मूसा भाई, हम तो सो रहे थे कि अचानक आवाजें डस 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 बाहर आए, पता चला मैडम पर किसी ने हमला कर दिया। वो तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि मैडम बाल बाल बच गई। लगता है हमलावर जो है कोई नाड़ी था। मेन दरवाजे के गार्ड कहाँ थे? मर गए हम सर, उसको तो संभलने का मौका ही नहीं मिला। लगता है हमलावर जो है घर के नक्शे के बारे में अच्छी तरह से जानता था। वो तो गार्ड के आने से पहले घर के लोन वाले रस्ते से निकल गए। बयान हो गए इनके? जी सर हो गए। मैं एक बात आप लोग अच्छी तरह से सुन ले, जब तक इस केस की तफ्तीश चल रही है आप में से कोई इस इलाके और शहर से बाहर नहीं जाएगा, समझ गए आप? ठीक है। और खास तौर पर तुम, अंडरस्टैंड? जी। इसका बयान ले लो। ठीक है सर। ओए, क्या नाम है तेरा? आराम से, मूसा। आराम से नहीं, कहाँ रहते हो? मैंने पूछा कहाँ रहते हो भाई? मकान नंबर 31, सादिकाबाद। अरे मूसा, तुम वापस नहीं गए? उस पुलिस वाले ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया तुम्हें? नहीं मैडम, पुलिस वालों का तो काम है तफ्तीश करना। बस अल्लाह का शुक्र है हमलावर के हमले से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हाँ, बचत हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं बचूंगी। फिल्म इंडस्ट्री में मैंने बहुत दुश्मनियां पाल ली हैं इन 10-15 सालों में, जाहिरी भी और ठगी छुपी भी। मैडम आज से मैं यही रुकूंगा बंगले पे, हो सके तो मेरे लिए सर्वेंट क्वार्टर का इंतजाम करवा दीजिए। कभी कभी मुझे बहुत अफसोस होता है कि जैसे मैंने तुम्हें बॉडीगार्ड रखकर तुम्हारी जान खतरे में डाल दी हो। मुझे बहुत रहम आता है तुम पर। खुद पर रहम करना छोड़ दिया है मैंने मैडम। खैर आप मेरे लिए किसी सर्वेंट क्वार्टर का इंतजाम करवा दीजिए, आपकी जान को खतरा है। ओके, ठीक है, मैं कपूर से कह के तुम्हारे लिए कुछ सर्वेंट क्वार्टर साफ करवा देती हूँ। और हाँ, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दें। बहुत शुक्रिया। ओके। तीसरी दफा तुमने मेरे हुलिये और मेरी जाहिरी शख्सियत का ताना दिया है मुझे। क्या किसी शरई और मजहबी हुलिये वाले लड़के को अपनी पसंद का इजहार करने का हक नहीं है? मुझे कहो कि मुझे तुम्हारा हुलिया पसंद नहीं है, खुदा की कसम पलट कर चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। फिर मैं तो सिर्फ इतना सा चाहता हूँ, इजाजत दे दो अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजना है, इज्जत से तुम्हारा हाथ मांगना है।
खुद को साबित करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ। मैंने आपके माजी के साथ आपको एक्सेप्ट किया है और मुझे तुम जैसी लड़की तो चाहिए थी, तुम जैसी नाजों और अदाओं वाली जो इन बेचारे कमजोर मर्दों को अपनी औकात में रख सके। मैं क्या चाहता हूं, मेरी दोस्त बन के, मेरी बिजनेस पार्टनर बन के मेरा सपोर्ट कर। बस ये क्या गजब कर दिया आपने, तो खुद उसे घर ठहराने का जवाब फराहम कर दिया। इस तरह तो हमारा काम और मुश्किल हो जाएगा। फैजी फैजी, तुम नहीं समझोगे, मैं एक तीर से दो शिकार करने का माहिर, और मैंने अपने दोनों शिकारों को करीब कर दिया है मूसा को घर में ठहरा, और इसी बहाने मैंने पुलिस को मूसा पर शक के रास्ते पर दिया। लिहाजा लैला के साथ जो कुछ भी होगा ना, उसका सारा इल्जाम मूसा के सर ही जाएगा। ओ, अब समझ गया। आपने मूसा के पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पुलिस को सब बताया, और अब जो वारदात भी होगी उसका सीधा शक मूसा पर जाएगा, और रात को जो हमलावर का निशाना चूका उसे ऐसा ही हुक्म था, मारने के लिए नहीं सिर्फ डराने के लिए कहा था। समझ जाते हो, मगर जरा देर से समझते हो। बस अब सिर्फ मुझे उस पावर ऑफ अटॉर्नी पर लैला की सिग्नेचर चाहिए, ताकि उसके बाद मैं भी उसका पार्टनर बन जाऊं उसके बैंक बैलेंस और उसकी जायदाद में। आखिर लैला के बाद उसकी जायदाद और उसके बैंक बैलेंसेस को संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। बस फौरन जाके अपने उस आदमी को भूल ना जाइए। अरे नहीं, बस एक काम करते रहना, अपनी मैडम लैला की मुखबरियां रेगुलर बेसिस पर मुझे करते रहे, बाकी मैं संभाल लूं। सो तो मैं आपका खादिम हूं बॉस, अब तक करता रहा हूं और आगे भी करता ही रहूंगा बॉस, बाकी मेरा काम। लैला जी। हाँ मूसा, वो कल रात वाले हादसे के बाद मैंने मन्नत मांगी थी मजार पे चादर चढ़ाने की। जी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम वहीं निकल रहे हैं नीला गुंबद वाले मजार के लिए। वहां तकरीबा शुरू होने वाली है उसकी, जल्दी करो। नीला गुंबद? हाँ हाँ, नीला गुंबद मजार के लिए। मैं अकेले जाने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती, तुम्हें मेरे आसपास नजर रखनी होगी। पता नहीं क्यों क्यों मुझे हर वक्त वहम सा होता जा रहा है जैसे कोई बहुत ही नादीदा दुश्मन मेरी ताक में है। आप फिक्र मत कीजिए, मूसा आपके साथ है, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा आपको। Thank you.
मैडम नहीं? जी सर, सर मैडम अभी तक नहीं है। लेकिन वो तो सुबह सवेरे घर से निकली थी, कहाँ गई? सर उन्हें शायद किसी मजार पे जाना था दुआ करने के लिए, स्टाफ भी उनके साथ गया। एक तो मैं सूरत के ड्रामो से बोलता हूँ। जी सर। कुछ ना कुछ नहीं, आप अपना काम करें। ओके। यही दिन देखना रह गया था इस नाखल्फ औलाद के हाथों। अरे आज सारा जमाना हम पे हंस रहा होगा कि सैयदों की औलाद अय्याशियां करती फिर रही है। मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि मैं उसके जायरीन और अपने मुरीदों की नजरों का सामना किए बगैर जमीन फट जाए और मैं उसमें जिंदा दफन हो जाऊं। कैसी औलफाल मुंह से निकाल रहे पीर साहब? कोई पीर साहब नहीं है, मत कहो मुझे पीर साहब। अरे लोग क्या कहेंगे कि पीर कुदरतुल्लाह सबको नसीहतें करता फिर रहा है और आज उसका अपना बेटा हौला वाला कुवत। मगर मूसा ने क्या किया मुझे भी तो कुछ बताए। भरे बाजार में एक मरतबा फिर हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया उसने। किसी बदनाम फिल्मी औरत के साथ रंगरलियां मनाता फिर रहा है वो। और उसकी हिम्मत तो देखो कि एन उर्स वाले दिन उस औरत को लेके मजार पे आ गया है। मूसा जानता था कि मैं अपने मुरीदों के साथ वहां पे होऊंगा, वो सिर्फ मुझे रुस्वा करने के लिए वहां आया है। हो सकता है जैसे आप सोच रहे हैं वैसी बात ना हो। तुम तो बस चुप ही कर जाओ। बहुत घमंड था ना तुम्हें अपने बेटे की तरबियत पे, और फिक्रमंद हो रही थी तुम कि जेल से निकल कर कहां दरबदर होगा मेरा बेटा। खुशियां मनाओ कि तुम्हारा बेटा दरबदर नहीं हो रहा है, किसी बदनाम फिल्मी अदाकारा के साथ ठहर रहा है वो। न जाने निकाह करके या निकाह के बगैर। मूसा भाई ऐसे नहीं है, आपको जरूर कहीं गलत फहमी हुई होगी। कोई गलत फहमी नहीं हुई है मुझे, मैं अपनी औलाद के रम्ज अच्छी तरह से जानता हूँ। कहाँ है वो ईसा? अरे उसे तो अब तक पहुंच जाना चाहिए था। फोन करो उसको, बुलाओ उसे, जल्दी आए। एक तो तुम्हारा शौहर भी बहुत ही नकम्मा और नलायक आदमी है। जी मैंने कॉल की थी, बस रास्ते में है वो, आ रहे हैं। पता नहीं कैसे संभालेगा ईसा ये सब। मुझे तो सब कुछ डूबता नजर आ रहा है। होली अल्लाह। हेलो। हाँ अच्छा मैं बोल रहा हूँ। जी फरमाइए, क्यों फोन किया मुझे? वो सुबह मैं जल्दी में था, ऑफिस निकल गया, बताना भूल गया। शाम में हमने जाना है शहबाज गिल साहब के पास, डिनर है, तो मैं जल्दी आ जाऊंगा घर, तुम रेडी रहना। ओके शरियार, आप चले जाइएगा अकेले, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, हमें वहां चलना जरूरी है। उसने ये दावत हमारे एजाज में दी है, याद रहे तुम्हें ये बात। और वो कुछ कुछ अच्छा पहन लेना, तंबू मत तोड़ लेना हमेशा की तरह, वेयर समथिंग एप्रोप्रिएट एंड नाइस। मगर मैं अच्छा बीच में फोन आ रहा है, मैं करता हूँ तुम्हें, तैयार है ना? बाय। अच्छा मेरी बात मजार पे मन्नत की चादर चढ़ाने गई थी। ओ कम ऑन लैला यार, तुम अभी तक यहीं खड़े? तुम में इतनी अकल नहीं है कि जब तुम्हारे दोनों बॉसेस आपस में बात कर रहे हो तो नौकरों को दफा हो जाना चाहिए? ये हुक्म मुझे सिर्फ मैडम दे सकती है, कोई और नहीं। What? यानी तुम अब मुझे जवाब दोगे? सिर्फ दो टके के गार्ड हो तुम, दो टके के। How dare you? मूसा तुम एक काम करो, अभी तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हें भी बुला लेती हूँ। कुछ ज्यादा नहीं सर पे चढ़ा लिया तुमने इसे? इसकी हिम्मत देखी है तुमने? इसकी ये मजाल मुझे जवाब दे रहा है तौकीर खालिद को। रिलैक्स रिलैक्स जस्ट रिलैक्स, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसे मैंने बोला था मेरे साथ रहे। अच्छा ये बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? क्या बात करूं तुमसे यार, तुम्हारे जाहिल बॉडीगार्ड ने सारा मूड ही खराब कर दिया है मेरा। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, इस पर ज्यादा ट्रस्ट मत करना। अच्छा बाबा फिक्र तुम बताओ मुझे क्या बात करनी है तुम्हें, बोलो। सेठ शहबाज ने इनवाइट किया डिनर, शेरियार की वेडिंग सेलिब्रेशन के लिए, तैयार रहना शाम को, पार्टी अटेंड करने जाएंगे। पहले भी वो पिछली पार्टी का गिला कर रहे थे कि हम नहीं गए। वेल
तुम कहते हो तो चली जाऊंगी मैं। Honestly speaking, मुझे वो आदमी एक आंख नहीं भाता। He is just a show off. आधे मुल्क की इंडस्ट्री का मालिक है वो। शो ऑफ उसका हक है। ठीक है, चली जाती हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड मेरे साथ रहेगा। I can't take any risk. अब तुम तो ऐसी जगहों पे जाके सब कुछ भूल जाते हो। But I need someone to stay with me. Understand? Okay, fine. You and your bodyguard, तैयार रहना शाम को। All right. क्या? मूसा भाई और फिल्म स्टार लैला? तायजान ने उन दोनों को साथ देख लिया है, इसीलिए तो गुस्से में उबल रहे हैं। तभी मैं कहूँ कि घर में इतना जलजला क्यों आया हुआ है? तुम पर भी काफी नाराज है, कह रहे इतने से काम में इतनी देर कर दी। मुझे तो पता था ये सारा नजला मुझे गरीब पर आ गिरेगा। अब खुद ही भेजा था मुझे शहर से बाहर मजार के काम से। अब देर सवेर तो हो जाती है, और सच पूछो तो मुझे इन मामलात की सूझबूझ नहीं है। ये मूसा भाई थे जो पलक झपकते इन मामलात के हल निकाल लेते थे, मुझसे नहीं होता ये सब। ताया जान का भी यही ख्याल है। अच्छा अब ये सब कुछ छोड़ो, मूसा भाई की फिक्र करो, कुछ खबर तो लो। ये मूसा भाई भी ना, और ये फिल्म स्टार लैला बीच में कहां से टपक गई? और मूसा भाई भी चुन चुन के वो काम करते हैं जिनसे जलती पर ज्यादा तेल फिरे। खैर देखता हूं अब क्या करना है इस मामले का। ऐसे फिल्म स्टार लैला अपने वक्त में थी बड़ी प्यारी, पता नहीं अब कैसी दिखती होगी। अस्सलामुअलैकुम सेठ साहब। वालेकुम सलाम, आइए आइए, खुशामदीद खुशामदीद। वही तौकीद, तुम्हारी बेगम को देखकर मुझे इनकी क्लासिक फिल्में याद आ जाती हैं मुझे, और मेरा दिल एक बार फिर से जवान और खिलंडरा बन जाता है। सेठ साहब, आप जैसे कदरदान अब कहाँ मिलते हैं, जमाना बड़ा बेमुरव्वत हो गया। वैसे आप ये दिन में कितनी दफा कितने लोगों को ये लाइंस बोलते हैं? मेरी नजर में तो एक घिसे पिटे जुमले होते हैं। बस आपकी इसी जिंदा दिली के तो हम फैन हैं लैला मैडम। आहा, वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। ज़ोरा बेगम, देखिए फिर से माइंड मत कर लीजिएगा, मगर मैं हूं बंदा हुस्न परस्त, और जब ऐसा सच्चा और खरा हुस्न सामने हो तो फिर कोई काफिर भी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। मैं अगर इस महफिल की तमाम रोशनियां बुझा भी दूं तो भी आपका नूर ही काफी है उजाला करने के लिए। लगता है हजारों चांद सूरज रोशन है आपकी शख्सियत। वैसे तुम इनकी बातों का बुरा ना मनाना, तुमसे पहले ये सारी बातें मेरे लिए कह रहे थे, आदत है इनकी जगह जगह मुंह मारने की। सेठ साहब, सारी बातें यहीं खड़े खड़े करेंगे या मेहमानों के लिए कुछ खास इंतजाम भी किया हुआ? हाँ हाँ, पूरा पूरा बंदोबस्त है। आइए जनाब। मालिक साहब, आपकी ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। भाई अभी तो महफिल शुरू हुई है, कुमार थोड़ा बढ़ने दे, ये बिजनेस की बातें करने के लिए तो सारी रात पड़ी है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। क्यों ज़ोरा, तुम क्या कहती हो? मुझे क्या पता, आप लोग की बातें आप लोग को पता होंगी। ये भी ठीक है। अच्छा चलो, तो तुम हमें वो बताओ जो तुम्हें मालूम है। ये बंदा मलिक शहरयार, ये
शौहर ज्यादा अच्छा है या बिजनेसमैन? लगता है आपको कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, थोड़ा हाथ रख लीजिए। जब आप जैसे खूबसूरत लोग सामने बैठे हों तो किस काफिर को नहीं चढ़ेगी? ये हुस्न का नशा है लैला बेगम। अरे अपना मलिक साहब, टॉकी मेरे हाले ड्रिंक्स कुछ और मंगवाते हैं। हाँ। ए बॉय, हे यू, सुना नहीं तुमने? सेठ साहब बुला रहे। सुनाई नहीं देता क्या? वी वॉन्ट मोर ड्रिंक्स। बार टेंडर से कहो ड्रिंक्स हमें यहाँ सर्व करें, नशिया नहीं टूटना चाहिए हमारा। लो जल्दी जी। सुनो, मालिक साहब आप उदास ना हो, अभी कारोबारी बातें भी कर लेते हैं। माहौल तो बनने दें। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने। वाह वाह सेठ साहब, क्या बात है आपकी, कहां से सुनकर लाते हैं ये नायाब शेर आप? अरे तौकीर साहब, आपने गिल साहब को हल्का ले लिया, वो तो बिजनेस में मसरूफ रहे हैं, वरना पाकिस्तान के बहुत बड़े शायरों में से एक होते। वह जनाब क्या कहें। वैसे लैला बेगम, आपकी ये दोस्त तो कुछ कहती नहीं है, ना ड्रिंक्स लेती हैं, ना कुछ खाती हैं, ना पीती हैं। लगता है कि डाइट पर हैं जनाब। वजह थी जिस वजह से तुमने मूसा को ठुकरा दिया, ये मदहोशी, ये महफिलें, ये जहां ये हवस से भरी हुई नजरें, पर बहुत सस्ता सौदा किया है तुमने मेरे बदले। पर शायद तुम्हारी चाहत ही यही थी जिसमें चका चौंक ये महफिल की रौनकें। जो मेरे मुकद्दम में लिखा था मुझे वही मिल रहा है, पर तुम इस महफिल में क्या कर रहे हो? तुमने ये रास्ता क्यों चुना? तुम्हें मेरे खानदान, मेरी नेक नामी, मेरे रिवाज से चिढ़ थी ना? छोड़ दिया मैंने सब कुछ, छोड़ दिया हमेशा हमेशा। आज उतना ही बदनाम हूं जितना तुम चाहती थी। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। जिस दुनिया से आए हो ना, वापस वही लौट जाओ। ये महफिल तुम्हारे काबिल नहीं है मुझसे, या नहीं तो अपने खानदान के हस्ब नसब का ही सोच लो। कितनी अजीब बात है ना, जब खानदान की हस्ब व नस्ब, सकाफत, रिवायत के साथ तुम्हारे घर इज्जत से मूसा का रिश्ता गया था, तो तुमने इसी हस्ब व नस्ब का ताना देकर मुझे ठुकरा दिया था। तुम्हें तो छिड़ती ना मेरी नेक नामी, मेरे खानदान की इज्जत, मेरे घर से। आज मुझे वहीं वापस जाने का कह रही हो जो जगह कभी तुम्हारे मयार पे पूरी नहीं उतरी थी। जो हुआ सो हुआ, पिछली बातों को भूल जाओ मुसा। तुम्हारी माँ मेरे पास रोती हुई आई थी,
कह रही थी कि मेरा नेक फरमा बरदार बेटा किसी जोहरा नामी हजारी लड़की के पीछे पड़ गया। क्या करती तो तेरी माँ के आंसू भूल जाए और मैं एक लम्हे के लिए भी मेरा नहीं सोचा तुमने। सीधी तरह कहो ना मुझसे, चलो कह दो कि तुम्हें चाहिए यही था, ये ऐशो इशरत, ये महफिलें, ये रौनकें, जो मूसा का दीनदार घराना तुम्हें नहीं दे सकता था ना। थोड़ा क्या नहीं था मेरे पास, इज्जत, दौलत, पैसा, जायदाद, सब कुछ था ना, मगर एक चीज नहीं थी, दिल के बहलाने के लिए ये जामो सामान मुयसर नहीं था मेरे दीनदार कराने के। तुम्हें जो समझना है समझो मुझसे, मगर मैंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा, और जो मेरी तकदीर मेरे खाता पर मुझे मिल रहा है, किस उम्मीद के सहारे भटक रहे हो, सब वापस लौट जाओ अपनी दुनिया। मेरी तुमसे ये आखिरी दरख्वास्त। अरे मूसा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, बस गलती से यहाँ आ गया। ये मूसा है मेरा बॉडीगार्ड, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छे घराने से, पता नहीं वो कौन सी मजबूरी है जो इससे इतना खतरनाक काम करवा रही। यकीनन किसी अच्छे घर का लड़का, लेकिन मजबूरी इंसान से पता नहीं क्या कुछ करवा देती है। वैसे तुम इसे जानती हो, तुम लोग बात कर रहे थे ना, शायद आपकी तलाश में आ गया था, मैं नहीं जानती। ओके तसल्ली रखिए भाभी, मूसा जल्दी लौट आएगा, बस थोड़ा सा बहक गया है, लेकिन है तो हमारे ही खून ना, और खून खून से जुदा कैसे हो सकता है भला? नहीं खदीजा, मूसा हमसे रूठ गया, काश मैंने उसके दिल की सुनी होती, अपनी मनमानी ना करती तो आज वो हमारे दरमियान भी होता। ऐसा क्यों कह रही है ताजा? जानती हो मूसा जानबूझकर उस बदनाम जगह पर भटकता फिरता है, क्योंकि मैं उस लड़की को उसकी हकीकत बताकर आई थी, उसे आईना दिखाकर आई थी कि जिस बदनाम इलाके से उस लड़की का ताल्लुक है, हमारे ऊंचे घरानों की दहलीज वो पार नहीं कर सकती, उसे धुतकार कर आई थी, बदनाम होने का ताना देकर आई थी, और आज वही ताना मूसा हर बात में लौटा रहा है, वरना उस फिल्म वाली को अपने बाप के सामने लाके ना खड़ा करता हूं। सॉरी मैम, बेवकूफ इडियट, ये क्या कर दिया तुमने, सारा ड्रेस खराब कर दिया मैम का, अंधे हो क्या तुम्हें तो मैम? सॉरी सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं जी, बात कैसे नहीं है, अब खड़े खड़े मुंह क्यों देख रहे हो, चलो मैम को लेके जाओ वहां रेस्ट रूम की तरफ, और इन्हें कोई टॉवल और नैपकिन भी दो, चलो जल्दी। आगे प्लीज, आई एम सो सॉरी।
मैम आप फ्रेश हो जाए, चावल और नेपीज भी अंदर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माफी चाहता हूँ इस गुस्ताखी के लिए। वहां बाहर अपने शौहर के सामने तो तुम खुल के कोई बात नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो दो मिनट यहीं बात कर लेते हैं। वैसे बेफिक्र रहो, वहां बाहर हम दोनों के गायब होने की किसी को कोई खबर नहीं होगी, क्योंकि सभी वहां बेसुध हैं। पागल हो गए, हटो मेरे सामने। हाँ। रास्ता छोड़ो मेरा, पता मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ऐसा तो मत कहो ना, देखो अभी ये तो बुरी बात है ना। हाँ, मैं तो सारे जमाने में तुम्हारी तारीफें करते हुए नहीं थकता। क्या हीरा चुना है शहरयार ने अपने लिए, और एक तुम हो के खुद अपने आप को बुरा साबित करने पे तुली हो, अच्छी बात नहीं है। ये क्या हरकत है, हटो मेरे रास्ते से वरना मैं शोर मचाऊंगी। ना ना ना, ऐसी कोई कोशिश करना भी मत, क्योंकि ये कमरा, वो पार्टी जो बाहर लॉन में हो रही है ना, वहां से बहुत दूर है, और अरीब करीब तुम्हारी आवाज सुनने वाला भी कोई। शर्म आनी चाहिए तो ये सब कुछ करते हो, मैं तुम्हारे दोस्त की बीवी हूँ। खैर ना, बस बहुत बकवास सुन ली मैंने तुम्हारी। मेरे सामने ज्यादा नेक बीवी बनने की कोशिश मत करना, अच्छी तरह वाकिफ हूं मैं तुम्हारी असलियत से। डांस पार्टियों में कमर लचकाने वाली, तुमने शायद मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गया था। बहुत बार देखा है मैंने तुम्हें उन महफिलों में, वहां तो फुलझड़ी की तरह पटाखा बनी फिरती थी, अब यहाँ ये दिखावे की शर्म क्यों? शहरयार, कोई है यहाँ पे? हटो मेरे रास्ते। किस शहरयार को बुला? वो जो तुम्हारा शौहर है, जो तुम्हें खुद यहाँ लेकर आया है, ये जानते हुए भी कि मेरी नीयत तुम पे खराब है। मेरी नीयत तो तभी खराब हुई थी जब मैंने तुम्हें डांस पार्टी में देखा था, मगर अफसोस शहरयार तुम्हें पहले ले उड़ा, वरना मैं तुम्हें उससे बेहतर और बड़ी डील ऑफर कर सकता था। खैर अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जितनी रकम तुम मलिक शहरयार से लेती हो उससे डबल ट्रिपल जो कीमत तुम कहो मैं तुम्हें आज ही उस पर रख सकता हूँ। बस तुम सिर्फ एक बार हाँ कह दो, मैं दुनिया भर की दौलत तुम्हारे कदमों में लाके ढेर कर दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो गलीज इंसान, मैं तुम्हारे दोस्त शहरयार की बीवी हूं, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? सब ड्रामा है, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो, और ये निकाह जिस पे तुम इतना इतरा रही हो ना, मेरी एक बड़ी डील की मार है बस। मैं अगर अभी तुम्हारे प्यारे मलिक शहरयार को अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप की ऑफर करूं ना, तो तुम्हारे जैसी दर्जनों खुद मेरे दरवाजे पे छोड़ के जाएगा। तुम किस खेत की मूली हो मत समझो जो मैं तुम्हें इतनी अहमियत दे रहा हूं, वरना सेठ शहबाज हर ऐरी गैरी पे आशिक नहीं होता। खुशकिस्मत समझो अपने आप को कि मेरा दिल तुम पे आ गया। देखो मेरी बात मान लो, फायदे मेरा होगी, और हाँ अगर तुम मलिक शहरयार के निकाह में रहना चाहती हो दुनिया को दिखाने के लिए, तो I have no problem.
घाटे का सौदा नहीं है। जैसे तुम हो वैसी घाटिया तुम्हारे इरादे। हटो मेरे रास्ते। चलो फिर मेरे इरादे भी देख लो तुम। छोड़ मुझे शेरियार। दिया बिलसावल यार।